दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने शहर में मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं अपने फार्म हाउस में बैठा हूँ, आप देख सकते हैं लग्जरी लाइफस्टाइल है। दोस्तों आज आप लोगों के लिए कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ कि बॉस आप एक सफल सिंगर कैसे बन सकते हो, एक सिंगर कैसे बन सकते हो, किस तरीके से आपको स्टार्ट करनी चाहिए और कहाँ जाके आपका सफलता की सीढ़ी को आप चूम सकते हो, इसी विषय में दोस्तों बात करेंगे। ओके, पॉइंट नंबर वन, क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज़ में एक दम है, आपके वोकल जो है, आपकी जो साउंड है बहुत अच्छी है? अगर अच्छी है, अगर आपको लगता है कि आप सिंगर बन सकते हो, तो मॉम डैड से बात करो, मुंबई आओ, परमिशन लेने के बाद मुंबई आओ, किसी न किसी अकेडमी में जाकर सीखो। अगर आप चाहते हो तो सक्सेस फिल्म अकेडमी में भी आ सकते हो। कोर्सेज करने के बाद आप नए ट्रैक पे, नया जो धुन होता है, नया म्यूजिक होता है, उसको बना के रिकॉर्ड करो, देखो कि आपके वॉइस को किस तरीके से आप और ज़्यादा चेंजेस में लाने की जरूरत है कि नहीं। बैक टू बैक नए ट्रैक पे अपने गाने रिलीज कराओ सोशल मीडिया पे, कोशिश करो कि उसका वीडियो एल्बम भी बनाओ, धीरे धीरे आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। उसके बाद दोस्तों आप बैक टू बैक अलग अलग म्यूजिक कंपनी में ऑडिशन दे, वहां पे अपना वॉइस सैंपल दो, कुछ रियलिटी शो में जाओ, एंड आपका जो नए ट्रैक पे वीडियो एल्बम बनाने का काम है वो रुकना नहीं चाहिए। आप चाहें तो सचेत फिल्म अकेडमी से भी आप नए म्यूजिक जो ट्रैक है वीडियो एल्बम का बनवा सकते। ये सारी चीज़ें आपको मदद करेगी एक स्टेबल सिंगर बनने के लिए बॉलीवुड में। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जो आपको गाइडेंस दिया जाता है, सलाह दी जाती है। अगर आप चाहते हैं मुंबई आना, अगर आप चाहते हैं सक्सेस फिल्म अकेडमी ज्वाइन करना, अगर आप चाहते हैं सिंगिंग में अपना करियर बनाना, आप आ सकते हैं। मैं गुरु विपिन कुमार, आई रिपीट वंस अगेन, मैं गुरु विपिन कुमार और सक्सेस फिल्म अकेडमी के मैनेजर्स आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे और बताएंगे कि कैसे आप सफल सिंगर बन सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, से गुरु विपिन कुमार, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हमारे कस्टमर केयर का नंबर है 7219523205। वेलकम टू मुंबई एंड वेलकम टू सक्सेस गेट। थैंक यू सो मच।